हमारे यहाँ आमतौर पर एक सवाल पूछा जाता है कि सालिक में और मजदूब में क्या फर्क है। मैं मुख्तलिफ मौकों पर अर्ज करता रहा हूँ कि इन दोनों में फर्क क्या है। इसके अंदर एक बहुत अहम चीज है जिस पर अभी तक शायद कभी हमारी बात हुई नहीं। क्या चीज है जो किसी को मजबूर कर देती है और कुछ लोग सालिक रह जाते हैं। असल में होता यह है कि जब कोई शख्स रब ताला की गैर मशरूत इताअत करता है, अल्लाह की बंदगी में चला जाता है, तो रब उससे राजी होता है और उस पर अपना फजल व करम कर देता है, उसको इल्म अता फरमा देता है, मोमिन की सी फहमो फरासत अता फरमा देता है और इसरार कायनात में एक हद तक सैर कराता है। एक हद तक मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि मां सवाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी को ये नसीब नहीं हुआ कि वो इसरार कायनात को पूरे का पूरा देख सके और इसरार इलाही का मुशाहिदा कर पाए। कोई शख्स किस दर्जे का वली है, किस मकाम तक गया है, मुशाहिदा डायरेक्टली उससे कॉरेस्पॉन्ड करता है। डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्डिंग है इंसान वली अल्लाह के मर्तबे और दर्जे के साथ। जब अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाता है कि अपने किसी बंदे को अपने इसरार कायनात के कुछ हिस्से का मुशाहिदा करने की इजाजत अता फरमा दे और वो बंदा मुशाहिदा करना शुरू करता है, तो कुछ लोगों में सहार, ये लफ्ज इसका मुझे नहीं मालूम इसका मुतबादल क्या है उर्दू में या अंग्रेजी में, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अगर कम है तो होता यह है कि वो जो कुछ मुशाहिदा कर रहा है उसकी नकल करना शुरू कर देता है अपने वजूद के साथ। क्योंकि मुशाहिदे की रफ्तार बड़ी तेज होती है तो वह अपने जिस्म को उन हरकत की नकल में मूव करने की कोशिश करता है लेकिन उस रफ्तार पर कर नहीं पाता, तो उस तगुदो में लगा रहता है कि उस मुशाहिदे की नकल कर ले। नतीजा यह है कि कुछ अरसे के बाद उसके होश और हवास खत्म होने लगते हैं और वह मजबूबियत की तरफ चल पड़ता है। जितने भी मजदूब आपने जिंदगी में देखे होंगे या सुना होगा तो लोगों से ये कि जी ये अच्छा भला होता था, बस दो चार साल ही में ये मजदूब हो गया। जब वो अच्छा भला था तो वो मुशाहिदा कर रहा था और उसकी नकल उसने शुरू की थी लेकिन उसकी रफ्तार और उसकी नवीयत का साथ नहीं दे सका उसका जिस्म और उसका जहन। उस स्पीड को मैच करते करते वो होश हवास से
दूर चला गया। नतीजा यह है कि वो मजदूब हो गया। लेकिन जो सालिक है ये मुशाहिदा करता है और उसको एब्जॉर्ब करता है, खामोशी से देखता है चीजों को, उसकी नकाली नहीं करता, उसको अपनी जात पर अप्लाई करने की कोशिश नहीं करता, ये दूसरी चीजों पर अप्लाई करने की कोशिश नहीं करता। नतीजा ये होता है कि वो आगे बढ़ता चला जाता है, उसके इल्म में वुसअत आती है क्योंकि मुशाहदे से इल्म बढ़ता है। जो जो वो मुशाहदा करता चला जाएगा तो उसका इल्म बढ़ता जाएगा। और इसमें ज्यादा रोल आमतौर पर मुर्शिद का होता है कि अगर इंसान के मुर्शिद, गाइड, उस्ताद, जो भी आप उन्हें कहना चाहें, अगर वो मजबूत हैं, होशमंद हैं, समझदार हैं, तो वो अपने उस शागिर्द पर पूरी तरह नजर रखते हैं, उसकी हरकत पर नजर रखते हैं, उसके उठने बैठने पर नजर रखते हैं, और जहां वो महसूस करें कि ये कुछ थोड़ा सा हिल गया है, वहीं पे वो उसको टोक देते हैं, उसे रोक लेते हैं, उसके इल्म के इजाफे की रफ्तार को रोक लेंगे ताकि वो भटकने ना पाए, बहकने ना पाए और मजजूबियत की तरफ ना चला जाए। तो उसमें वहां पर आपके मुर्शिद अपना रोल प्ले करते हैं। मजजूब चूंकि होश में नहीं होता, उसे ये पता नहीं होता कि वो कर क्या रहा है, कह क्या रहा है, उसकी जुबान से क्या निकल रहा है, उसकी हरकत क्या है, उसके जिस्म पर लिबास क्या है, इसलिए रूहानियत में मना किया जाता है कि किसी मजजूब से न मिले इंसान। सालिक मजजूब से नहीं मिलता है। उसकी वजह है कि मजजूब को तो मालूम नहीं, वो तो होशो हवास खो बैठा है कि उसने जुबान क्या इस्तेमाल कर ली। रूहानियत में जुबान की पाकीजगी, गुफ्तगू की पाकीजगी बुनियादी फैक्टर्स में से एक है। मजजूब गाली दे देगा। रूहानियत में तहारत, पाकीजगी बहुत जरूरी है। जिस्म की सफाई, कपड़े की सफाई, लिबास की सफाई, सोच की सफाई, जहन की सफाई, जुबान की सफाई, आंख की सफाई, ये बहुत अहम फैक्टर्स हैं। इसके बगैर इंसान इल्मे लुदूनी हासिल नहीं कर सकता, ये पैदा करनी पड़ती है। तो वो तो मजजूब है, उसके होश नहीं है अपने जिस्म की सफाई का, लिबास की सफाई का, जुबान की सफाई का, आंख की सफाई का, सोच की सफाई का। तो सालिक जब उससे मिलकर बैठेगा तो बकौल हजरत अली के करम अल्लाह वजहो के कि इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है, तो इस पर भी असरात आ जाएंगे। इसलिए सालिक को मना किया जाता है कि मजजूब के पास मत जाओ, उससे मत मिलो। सालिक बहरहाल मजजूब से ऊपर के दर्जे पर होता है, जो बहुत ही अकाबिर औलिया इकराम गुजरे हैं उनका फरमाना यह है कि सालिक को सवाब मजजूब से तीन गुना ज्यादा मिलता है। तो सालिक का दर्जा इस लिहाज से बहुत बुलंद है। आप जब किसी मर्द कामिल से जाके मिलेंगे, अपने मुर्शिद साहब से मिलेंगे, तो आपके मुर्शिद आपको एक बात की तलकीन करते दिखाई देंगे। वो तलकीन ये है कि आप अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। हमारे यहां एक रिवाज है कि अगर किसी मुर्शिद ने मुझ जैसे इंसान को
कुछ पढ़ने को दे दिया, तो मेरी जब भी मुलाकात होगी अपने मुर्शद साहब से तो मैं फौरी तौर पर उनसे ये अर्ज करूंगा कि हजूर वो जो आपने पढ़ने को मुझे बताया था मैं वो पढ़ रहा हूं। ये रूटीन में हम कहते चले जाते हैं। अगर कहीं मुर्शद ऐसे हों जैसे मेरे अपने मुर्शद थे, तो एक बार अगर ये कह दिया कि हुजूर वो जो आपने पढ़ने को मुझे दिया था मैं उसको पढ़ रहा हूं, तो एकदम से तलखी आ जाएगी लहजे में। तो क्या समझते हो कि तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो? मत पढ़ो, अपनी जरूरत को पढ़ते हो, मेरे लिए पढ़ रहे हो तुम। मैं अगर किसी मजार पे गया और मैंने कहा कि हुजूर आपका मैंने सलाम अर्ज कर दिया था, मैंने आपकी तरफ से फातिहा पढ़ दी, मुझ पे एहसान किया है, सवाब भी तो तुमने कमाया है, मुझे क्या बताते हो? ये जवाब आएगा पहली मर्तबा में, वो उस वक्त तो बुरा लगता है इंसान को, लेकिन बाद में जब इंसान सोचता है 20 साल बाद 25 साल के बाद, तो पता चलता है कि ये तो बड़ी जबरदस्त तरबियत हो रही थी मेरी, कि मेरे अंदर एक बर्दाश्त पैदा की जा रही थी कि मैं किसी के लिए अगर कुछ करूं या मैं इबादत करूं तो उसका इजहार ना होने दूं मैं। अगर अल्लाह करम कर दे किसी पर उसके मुर्शद की तुफैल, मुर्शद की जूतियों के तुफैल ऐसा इल्म अता कर दे रब ताला कि उसको सैर हासिल हो जाए, कश्फ हासिल हो जाए, उसे रूहानियत में फतह भी कहते हैं, कश्फ को फतह के नाम से याद किया जाता है रूहानियत में, ये टर्म याद रखिएगा। तो अगर फतह हासिल हो गई इंसान को तो सैर की किसी जगह कोई चीज समझ नहीं आई, तो ये गलती कर ली कि मुर्शद साहब से जाके पूछ लिया और मुर्शद साहब हुए मेरे मुर्शद साहब जैसे, तो एकदम से वो बरहम हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, तो फौरन जवाब आएगा कि तुमने मुझे बहुत तंग किया है, मैं तुमसे बड़ा तंग हूं। तो आदमी समझ जाता है कि सवाल करने पर ये जवाब आया है, तो फिर नेक्स्ट टाइम आदमी नहीं पूछता। 20-25 साल के बाद एहसास होता है कि वो जो तलखी थी वो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान था कि मेरे अंदर बर्दाश्त पैदा हो गई। गलती कर ली ये कहने की अपने मुर्शद साहब से कि हजूर आजकल मैं बड़ा तंग हूं, मेरा हाथ तंग है, मुश्किलात में हूं, तो बजाय इसके कि तसल्ली दे दे आगे से मुर्शद कि चलिए अल्लाह करम करेगा, अच्छा वक्त आ जाएगा, कोई बात नहीं, जवाब क्या आएगा? अच्छा वक्त गुजारने के लिए तुम थे, अब बुरा वक्त तुम्हारी जगह कोई और गुजारेगा, चलो। ये जवाब है। 20-25 साल के बाद इंसान महसूस करता है कि क्या जबरदस्त ट्रेनिंग हुई थी वो, ये चीज अगर ना उस वक्त रोकी जाती तो इंसान अल्लाह का शिकवा ही बयान करता रहता कि आज मेरे साथ ये हो गया, आज मेरे ऊपर ये उस्ताद आन पड़ी, आज मेरे बच्चे को ये तकलीफ हो गई, मेरी बेटी को ये हो गया, मेरी वालदा को ये हो गया, मेरी बहन को ये हो गया। वो सब रूहानियत के स्टैंडर्ड पर अगर जाके देखेंगे तो जब मैं किसी शख्स से ही कहता हूं कि देखिए मैं 3 दिन से भूखा हूं, राजिक मेरा रब है, पालने वाला मेरा रब है, मैं कह क्या रहा हूं उस रब के बारे में कि मैं मुझे तीन दिन से उसने भूखा रखा हुआ है, जो सारी उम्र इतनी आसाइश के साथ मुझे पालता रहा। जब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे बीमारी ने आन घेरा, बड़ी सख्त तकलीफ में हूं,
तो जो रब मुझे इतना लंबा अरसा जिंदगी में लोहे का बनाकर उसने रखा कि न कोई बीमारी मेरे करीब आई, ना किसी जख्म ने मुझे कुछ कभी कहा। अब अगर मैं 4 दिन से बीमारी में आ गया तो क्या मैं ये शिकवा नहीं कर रहा? उस लंबे अरसे को मैं याद नहीं रखता जो मुझे रब ने इतना सेहतमंद रखा कि दुनिया रश करती थी। 4 दिन की बीमारी पर हाय हाय कर रहा हूं। तो ये मुर्शद की तरबियत है कि किस अंदाज में मुर्शद ने आपकी तरबियत कर दी, वो फिर लेटर ऑन आपको शुक्रगुजारी में लेके जाती है ना शुक्रगुजारी से दूर कर देती है। शुक्रगुजारी का तकाजा यह है कि जिस रब ने इतने अरसा मुझे अच्छे हाल में रखा, अगर 2 दिन में तकलीफ में आ गया तो मेरी जुबान से उफ ना निकले, ये शुक्रगुजारी का तकाजा है। हमारे यहां एक और गलतफहमी या खुशफहमी मौजूद है। आप लोग तो बहरहाल पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, लेकिन मुझ जैसे जो अनपढ़ लोग हैं, उम्मी हैं, मुझे ये ख्याल आता है कि देखिए मुल्क के हालात खराब हैं तो जो साहिब ड्यूटी है वो अपना रोल क्यों नहीं अदा करता कि वो हालात को ठीक कर दे। इंडिया के साथ जंग लगी है, क्या जरूरी है कि हमारी तोपें वहां गोलाबारी करें? तो वली अल्लाह क्यों नहीं उधर को निगाह करता और उनको जला के भस्म कर देता इंडियन आर्मी को? जब मैं ये बात सोचता हूं तो मैं सुन्नत से एनालॉजी नहीं लेता इसकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मां सिवाय रब के और कोई साहिब तसर्रुफ नहीं है। जो तसर्रुफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल थे वो स्वाय रब के बाकी सबसे ज्यादा हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने गजवात भी लड़े हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जंगें भी हुई हैं, जिन जंगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए, हिस्सा लिया, वो गजवात कहलाती हैं। और वो जंगें जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं हुए वो जंगें नहीं कहलाती। किसी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तसर्रुफात से, रूहानी तसर्रुफात से काम नहीं लिया। इसकी वजह बड़ी देर में जाके समझ आई कि क्या है। होता यह है कि एक वली अल्लाह बशर है, वो आलम बशरियत में है, जिंदा है। जब वो किसी तसर्रुफ को इस्तेमाल करता है तो आलम बशरियत से निकलकर वो आलम रूहानियत में चला जाता है। तो आलम रूहानियत की तसर्रुफात को आलम बशरियत में इस्तेमाल नहीं कर सकता वो। और आज एक नुक्ता ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों कहा जाता है कि करामत दिखाई नहीं जाती, सरजद होती है। करामत दिखाने वाला फकीर जलील ख्वार हो जाता है, उसकी वजह यह है कि आलम बशरियत में आलम रूहानियत के किसी फेल को दखल देकर स्वाय जिल्लत के कुछ नहीं मिलेगा।
तो आलम रूहानियत के तसरुफात को आलम बशरियत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि जो आज लोग जिंदा हैं, साहिब ड्यूटी मौजूद हैं, वो इन मामलात में दखल नहीं देते और ना दखल देंगे कभी, इसलिए कि अगर ये काम कर लिया तो फिर उसका नाम लिस्ट में से कट जाएगा, फिर वो वली अल्लाह नहीं रहेगा। पुराने जमाने में एक मर्तबा मुसलमान बेरी जहाज लेके जा रहे थे समुंदर में, कि मुखालफीन ने उस जहाज पर हमला कर दिया। मुसलमान अपनी हिम्मत और इस्तात के मुताबिक लड़ रहे थे, लेकिन लगता यूं था कि शायद मुखालफीन गालिब आ जाएंगे। तो मुसलमानों के जहाज पर दो वली अल्लाह भी मौजूद थे, गरचे उन दोनों के दर्जात में फर्क था, एक बहुत ऊपर के दर्जे के वली अल्लाह थे, दूसरे जरा उनसे नीचे के दर्जे के। तो जब मुसलमानों को शिकस्त होती देखी, उसके आसार पैदा हुए, तो ये जो निचले दर्जे के वली अल्लाह थे, जाहिर है उनके पास इल्म भी और नजर भी दोनों ही कमतर थी, तो उन्होंने जोश में आके अपने तसर्रुफ को इस्तेमाल किया और उनके तसर्रुफ से दुश्मन के जहाज में आग लग गई, जिसकी कोई जाहिरी वजह सामने नहीं थी। तो सभी लोग चुकन्ने हुए कि ये आग दुनियावी जराए से नहीं लगी है। तो उस जो बड़े दर्जे के वली अल्लाह थे, उन्होंने भी नोट किया कि ये इस वली अल्लाह ने अपने रूहानी तसर्रुफ को इस्तेमाल कर लिया है। तो उन्होंने वली अल्लाह को बुलाया अपने पास और बुला के उसका सारा इल्म सल्ब कर लिया सजा के तौर पर, कि उसने दुश्मनों के खिलाफ रूहानी तसर्रुफ का इस्तेमाल क्यों किया है। रूहानियत की दुनिया बिल्कुल अलहदा दुनिया है, यहां अकल से नहीं पहुंचा जा सकता, ना अकल से चला जा सकता है। अकली दलाइल और अकल के तकाजे कुछ और कहते हैं, लेकिन आलम रूहानियत के कवानीन और कवायद कुछ और कहते हैं। तो अगर मैं कभी अक्ल के जोर पर इस दुनिया में पहुंचने की कोशिश करूंगा तो सिवाय नाकामी के कुछ नहीं आएगा। ये तो इस राह पर कोई चढ़ जाए, किस्मत जोर मार जाए, रब ताला करम कर दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत हो जाए और इस राह पर चढ़ जाए कोई, तो जो कुछ वो देखता है, जो कुछ वो एक्सपीरियंस करता है, उस वक्त अंदाजा होता है कि ये तो उससे बिल्कुल जुदा है जो मैं अकल के जरिए समझता था। अगर मैं ये अर्ज करूं कि वली अल्लाह तो मुझ जैसे गुनाहगार आदमी से ज्यादा मजबूर होता है, इसलिए कि उसको कवायद ने बांधा हुआ है, वो दाएं बाएं जा ही नहीं सकता। गुनाहगार मैं आजाद हूं बहसियत गुनाहगार शख्स के, लेकिन वो बंधा हुआ है, वो हिलेगा नहीं अपनी जगह से, लोग कुछ ही कहते रहे। ये सवाल उसी तरह फिर अकली गुद्दे पर मबनी है कि, और इनफैक्ट इसी सवाल को देखकर आज इस मौजू पे मैं आया था
एक अजीबोगरीब खामी में मुब्तिला हूं मैं कि अगर मैं पहले से सोच के किसी मौजू पे बात करूं तो बात होती ही नहीं है। टीवी प्रोग्राम था एक, मैंने गलती की कि मैंने पूछ लिया प्रोड्यूसर से कि इस प्रोग्राम का मौजू क्या होगा, उसकी तैयारी की, पता ही चला कि मैं वहां गूंगों की तरह बैठा हूं, बोल नहीं सकता। तो उस दिन के बाद सबसे मना किया हुआ है कि मुझे मौजू कभी ना बताइएगा। तो सवाल शुरू कर देते हैं, बोल पड़ता हूं, ये कमजोरी है मेरी, इसलिए शायद कभी मैंने इम्तिहान तैयारी करके दिए ही नहीं। क्लास वन से लेके जहां तक भी पढ़ा मैं, ना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से आके कभी पढ़ा और ना पढ़ के कभी इम्तिहान देने गया। वो और बात है कि वालदा के चप्पल धड़ाधड़ पड़ते थे इस बात पे कि फेल हो जाना है तुमने, तो अल्लाह ने इज्जत रख ली, फेल हुआ नहीं, निकलता ही गया। तो तैयारी करके बोलता नहीं, इसलिए जब मैं यहाँ आके आपसे सलाम करता हूँ तो मुझे एक आधा मिनट लगता है कि किस मौजू पे जुबान खोली जाए। तो इस सवाल को देख के आज ये मुझे अकली गुद्दे वाली बात समझ आई थी। सवाल यह है कि क्या यह हकीकत है कि जब तक किसी बुजुर्ग को आलम बेदारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत न हो जाए तब तक वो वलायत के मनसब पर फाइज नहीं किया जाता? जरूरी नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका इतनी मेहरबान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी गुनाहगार पर, खा वो कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, मुझ जैसे ही क्यों ना हो, अगर कभी नजर इनायत फरमा दें तो वैसे ही वली अल्लाह हो जाएगा। इन्हीं का दूसरा सवाल है कि वली अल्लाह के कंधे पर जो मोहर वलायत लगती है वो रूहानी तौर पर लगती है या जाहिरी तौर पर भी नजर आती है? ये विजिबल होती है और जिस्म में चूंकि तब्दीलियां वाक़ होती रहती हैं, जो स्किन के नीचे सेल्स हैं वो डेड होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, तो 20-25 साल तक तो दिखाई देती रहती है मध्यम सी। शुरू में बहुत तेज होती है, पहले 10 साल 15 साल, लेकिन फिर वो वक्त के साथ साथ मध्यम होने शुरू हो जाती है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर विजिबल होती है। से अगला सवाल इन्होंने किया है कि कुछ औलिया अल्लाह के बारे में साहिबान इल्म इरफान बताते हैं कि उनके असल मकाम मर्तबा का अंदाजा दुनिया को उनके जाने के बाद पता चलेगा, उनके हयात में नहीं। सवाल यह है कि ऐसे औलिया कराम की जिंदगी में उनके असल मकाम मर्तबे को मख्फी रखने में क्या हिकमत है? ये नहीं है बात, ये लोग जिनके मकाम का उनकी दुनियावी जिंदगी में पता नहीं चलता लोगों को, ये आम तौर पर बुलंद मर्तबा औलिया कराम होते हैं। उनमें सहार और बर्दाश्त, एब्जॉर्प्शन की कुव्वत इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने मर्तबे की तरफ ध्यान ही नहीं देते, जब ध्यान नहीं देते तो उनकी जुबान पर वो बात आती नहीं। इस राह के दूसरे औलिया कराम को इजाजत नहीं होती कि वो किसी का भेद खोलें। तो नतीजा ये है कि जिंदगी में उनके मकाम का नहीं किसी को पता चलता। दुनिया से जब चले जाते हैं तो ख्वाब में लोगों को उनसे लोग मुलाकात होती है, तो वो अपना मकाम किसी को बता देंगे, वो आगे फिर फैला देगा। तो यूं उनके जाने के बाद मकाम का पता चलता है, वो सिर्फ उनके बुलंद मर्तबा
ولی ہونے کی ایک نشانی ہے کہ بہت بلند مقام کو پہنچے تھے وہ. یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ ایک پہاڑی نالا, اس میں پانی کی گہرائی بمشکل 2-3 inch ہوتی ہے, 4 inch ہوتی ہے, بہت تیز ہوتا ہے اور اس کے بہنے کا شور بہت ہوتا ہے, بڑی دور سے پانی کے بہنے کی آواز آتی ہے. ندی بہتی ہے, اس کا شور اتنا نہیں ہوتا جتنا کسی پہاڑی نالے کا. دریا سکون سے بہ رہا ہوتا ہے, بہت ہلکی آواز پیدا ہوتی ہے. سمندر جس میں سبھی دریا جا کے گرتے ہیں, وہ خاموش ٹھہرا ہوا ہوتا ہے. تو جتنا زیادہ کسی ولی اللہ کے پاس علم ہوگا, جتنے بڑے بلند مرتبہ پر ہوگا, وہ اتنا ہی بے پرواہ ہوتا ہے اپنی ان تمام چیزوں سے کہ میرے بارے میں دنیا جانے کہ میں کیا ہوں. وہ سمندر کی طرح ہر چیز کو اپنے اندر چھپا لے گا. سمندر کی تہہ میں بڑے بڑے بحری جہاز جو ڈوبے ہیں وہ بھی چھپے ہیں, سمندری مخلوق بھی اس میں چھپی ہے, سمندری نباتات بھی اسی میں چھپے ہوئے ہیں, ویجیٹیشن. لیکن سمندر بالکل اس کی سطح پرسکون رہتی ہے. تو جو اولیاء اکرام ایک بلند مقام پر چلے جاتے ہیں, ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے. اگر کوئی بلند مقام کا ولی اللہ ہے, اسے کشف کے ذریعے پتہ چل گیا کہ آج رات عید کا چاند طلوع ہو جائے گا, تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ لوگوں سے کہہ دے کہ میاں آج چاند دکھائی دے جائے گا, چھوڑو تم نہ دیکھنے جانا. وہ خاموش رہے گا. بلکہ جب چاند دیکھنے کے لیے دوسرے لوگ کھڑے ہوں گے میدان میں یا کسی اونچی جگہ پر, تو ان عام لوگوں کے ساتھ مل کر وہ چاند کو دیکھے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کشف جھوٹا ہوا تھا خدا نخواستہ, بلکہ وہ ظاہری مشاہدہ بھی کرنا چاہتا ہے. یہ تو روحانی مشاہدہ اس نے کر لیا جس کو کشف ہم کہتے ہیں, لیکن وہ دنیاوی مشاہدہ بھی کرنا چاہے گا. تو عام آدمی جو جانتا نہیں ان تمام چیزوں کو, وہ یہ کہے گا کہ یہ کیسا ولی اللہ ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ آج چاند طلوع ہوا ہے. تو جتنا بڑا ولی اللہ ہوگا, اتنا ہی وہ ان چیزوں سے دور رہے گا. وہ ہم جیسے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے ہم ہی جیسا بن کر زندگی گزارتا ہے, اس میں کہیں کوئی فرق آپ نہیں دیکھیں گے. ہاں, فرق آپ کو دکھائی دے جائے گا جب اس کے طور طریقے ہم گہرائی سے دیکھنے لگیں گے کہ وہ زندگی گزار کیسے رہا ہے. وہاں فرق دکھائی دے گا کہ ہماری زندگی میں اور اس آدمی کی زندگی میں فرق کیا ہے, وہاں پھر علیحدہ دکھائی دینے لگتا ہے. ایک سوال انہی صاحب نے کیا ہوا ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام پر ولی اللہ کی مختلف ڈیوٹی سر انجام دینے میں معاونت کرتے ہیں؟ یہ ڈیوٹیز کی فہرست نہ تو کسی کے علم میں ہے, اور اگر علم میں ہے بھی تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو بیان نہ کیا جائے. کوئی ولی اللہ اپنی ڈیوٹی کی فہرست آپ کو نہیں دے گا, نہ بتائے گا کہ میرے ذمہ یہ ڈیوٹیز ہیں. تو یہ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کی بات ہے. یہ کوئی بھی شخص, چاہے وہ کسی مقام پر فائز ہو, کبھی یہ نہیں بتائے گا, اجازت ہی نہیں کسی کو. تو میں تو ویسے ہی گناہگار آدمی ہوں. سدرۃ المنتہا کے قریب واقع وائٹ بلڈنگ کے بارے میں کچھ بتائیے. یہ وائٹ ہاؤس کو پہلے میں تو دیکھا ہوں, پھر بتاتا ہوں آپ کو. اللہ کے بندو,
ये कौन बताएगा ये मुझे बताइए। सरे महफिल तो ये बात नहीं बताई जा सकती कि वो क्या है, वहां क्या ड्यूटी सर अंजाम दी जा रही है, कौन हैं लोग वो और किस किस्म के काम करते हैं। ये तीसरा सवाल भी कुछ ऐसा ही है, क्या अर्श के 9 दर्जे या मंजिलें हैं उसकी वजाहत कर दें। भाई जिन साहब ने भी सवाल पूछा है या क्या पिटवाने का इरादा है मुझे, ये अलबत्ता एक सवाल ऐसा है जिसे जिसका जवाब महफिल में दिया जा सकता है। कहा जाता है कि रूहानियत में बुलंद तरीन मकाम मकाम अबद है, जो बहुत कम औलिया कराम को अता हुआ। मकाम अबद क्या है और कौन कौन से औलिया अल्लाह इस मकाम को पहुंचे। बात यह है कि बंदगी सबसे बुलंद मकाम है और बंदगी इस चीज का नाम है कि इंसान अपने आप को मिटा दे, अपनी सोच को मिटा दे, अपने नफ्स को मिटा दे। हर काम करने से पहले और हर कदम उठाने से पहले ये देखे कि मेरा रब ऐसे मौके पर क्या चाहता है कि मैं किस तरह बिहेव करूं, सिर्फ वो कर ले। ये असल में तवक्कल का आला तरीन मकाम, तफवीज का मकाम है ये। जहां इंसान के इरादे अल्लाह के इरादों के मातहत हो जाते हैं, जहां इंसान के अफाल अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हो जाते हैं, दूसरे लफ्जों में यूं कहिए कि इंसान बंदगी के में फनाफ़िल्लाह हो जाता है, वो मकाम है अबद है। और औलिया अल्लाह में कम से कम मेरे इलम में नहीं कि कोई इस मकाम को जा सका हो। का अगला सवाल ये है कि क्या सद्दीक कुतुब वहादत कयूम और अबद के मकाम सिर्फ उन औलिया अल्लाह को मिलता है जो किसी रूटीन ड्यूटी के साथ साथ कोई बहुत बड़ी खास ड्यूटी बहसन खूबी सर अंजाम देती हैं, या कोई भी वली अल्लाह ग्रेजुअल प्रमोशंस के बाद इस मकाम को पहुंच पाता है। वलायत में या रूहानियत में प्रमोशंस न तो टाइम ड्रिवन होती हैं और ना ग्रेजुएशन ड्रिवन होती हैं। यहां तो रूहानियत में जितनी प्रमोशंस हैं वो सब की सब परफॉर्मेंस ड्रिवन है और अल्लाह की इताअत कोई किस तरह करता है उस पर मबनी है। तो औलिया कराम तो तलवार की धार पर चल रहे होते हैं, जरा सी कोताही उन्हें कहीं से कहीं पहुंचा देती है। जो आदमी रब ताला की बंदगी
की शरायत पूरी करता है और इंसानी हद तक उस मुमकिन इंसानी हद तक मुमकिन हद तक अल्लाह के अहकामात की पाबंदी कर रहा है, वो तरक्की पाता जाता है और उसके लिए सारे मकामात सामने आते जाते हैं खुद ही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार खास में क्या हर वली अल्लाह की नशिस्त मखसूस और मुकर्रर होती है या जगह तब्दील होती रहती है? हर वली अल्लाह उस अजीम महफिल में नहीं बैठ पाते, वो सिलेक्टेड लोग हैं जो वहाँ जिनको इजाज़त है वहाँ, उनकी जगहें मखसूस हैं। और कोई अगर वली अल्लाह ऊपर के दर्जात में चला जाता है तो उसकी नशिस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होती चली जाती है। किसी भी लफ्ज का वर्द करने के लिए मुर्शिद या साहिब इल्म से इजाजत लेना पड़ती है। क्या सहाबा कराम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी लफ्ज का वर्द करने से पहले इजाजत लिया करते थे? बात यह है कि वो सहाबा कराम सभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के शागिर्द थे, आप ही के तरबियत याफ्ता थे। तो आपकी तो सहाबा कराम के तमाम अफाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के तहत थे। वो वलायत का मकाम तो बहुत पीछे रह गया था, सहाबी का मकाम तो बहुत बुलंद है। तो अगर कोई ये पूछे कि एमए के स्टूडेंट को क्या केजी क्लास के बच्चे की तरह वॉशरूम तक जाने के लिए टीचर से इजाजत लेनी पड़ती है, ये सहाबी का मकाम बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। और वो इतने साहिब नजर थे और उनकी इबादत इतनी अखलास से पुर थी कि जितनी भी जो भी इबादत उन्होंने की वो बहुत है। तो इसलिए वहां ये सवाल शायद फिट न बैठे कि वो मुर्शिद से इजाजत लेते थे कि नहीं। ये इसका सवाल का जवाब तो मैंने पहले अर्ज किया था मेरे ख्याल दो संडे से पहले कि वलायत क्या मौरूसी हो सकती है, बल्कि शायद एक संडे पहले। तो मुर्शिद अपनी खिलाफत क्या अपने बेटे ही को देगा या रब जिसका चेहरा मुर्शिद को दिखा दें उसको खिलाफत मिल जाती है? इसमें वरासत नहीं है भाई, इसमें अमाल और अखलास को दखल है। इसीलिए बहुत से ऐसे औली अकराम गुजरे हैं जिन्होंने अपनी खिलाफत उन लोगों को दे दी जो उनके पास कभी आए भी नहीं थे। तो इसमें वरासत नहीं है। अपने मुर्शिद की जिंदगी के बाद जिसको वो खिलाफत अता करें क्या आगे उनसे भी दुआ कराई जा सकती है या अपने ही मुर्शिद से रूहानी राब्ता कायम किया जाए? जो उनके सजादा नशीन हैं जिनको उन्होंने खिलाफत दी है आप उनके पास गाइडेंस के लिए जा सकते हैं। इंसान ने सवाल लिखा है कि कुरान मजीद की काफ़ी सूरह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, इसकी कोई ख़ास वजह है या मैंने ही ऐसा महसूस किया है? नहीं, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र ज़्यादा इसलिए आया है कि मुख्तलिफ हवालों से बनी इसराइल का जिक्र कुरान में जगह जगह है, कहीं इबरत के लिए है, कहीं कहीं उनके वाकयात हैं, कहीं उनके रवैयों का की वजह से।
तो जहां बनी इसराइल का जिक्र आया, कौम यहूद का जिक्र आया है, वहां ला मुहाला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी आया है। तो इस वजह से वो लगता है कि जिक्र ज्यादा आया। अगला सवाल, इसका एक थोड़ा सा हिस्सा मैंने अर्ज करने की कोशिश तो की थी। कुरान मजीद की ज्यादातर सूरा का इख्तिताम हरफ नून अलिफ या अल्लाह के किसी नाम पर होता है, और ज्यादातर आयत का इख्तिताम भी हरफ नून अलिफ या अल्लाह के नाम से होता है। इसकी कोई खास वजह है? यहां भी कोई 5-6 इतवार पहले मैंने अर्ज किया था कि एक हदीस मतवातर है, और हदीस मतवातर उसको कहा जाता है कि जिस चीज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार या मुतअद्दद बार फरमाया हो उसको हदीस मतवातर कहते हैं। तो हदीस मतवातर एक ये है कि रब ताला ने कुरान को 7 हरूफ पर उतारा। तो मैंने उन 7 हरूफ के बारे में जिक्र किया था कि 7 हरूफ वो क्या हैं, जैसे हर्फ रसालत है, हर्फ नबूवत है, हर्फ रूह है, हर्फ आदमियत है, हर्फ इल्म है, हर्फ रूह है, हर्फ कब्ज है, हर्फ बस्त है। ये 7 हरूफ इन हरूफ पर उतारा है। इनमें से हर हरफ की आगे 366 किस्में, हर हरफ की 366 किस्में हैं। इन उनके अपने असरात हैं। फिर जो जेर जबर पेश जो एराब हैं, इनके असरात हैं। एराब का ताल्लुक हर हर्फ से अलहदा अलहदा है, कि जैसे पेश है उसका ताल्लुक हर्फ रसालत से है, जबर का ताल्लुक हर्फ नबूवत से है, हर्फ सॉरी जेर का ताल्लुक हर्फ आदमियत से है। उसके बाद जितने भी हरूफ हैं उनके असरात हैं। यहां उसी लेक्चर में मैंने अर्ज किया था कि जो हरूफ मक्तियात हैं वो लोहे महफूज पर लिखे हुए हैं, वो सरियानी जुबान में हैं। वो तो मैंने ऐसी मिसाल के तौर पे कहा था कि जो स्वाद है उसका जो गोल हिस्सा है उसके एक कोने से दूसरे कोने तक अगर देखें वो इतना तवील है कि वो एक दिन की मसाफत पर में तय होता है। ये सब बातें यहां मैंने अर्ज की थी। लोग मुझसे एहतजाज करने लगते हैं, और खासा शिद्दत का एहतजाज करते हैं कि एक ही बात को दोबारा आप क्यों दोहराते हैं। तो इस किस्म की जो चीजें जो पहले बयान हो चुकी हैं, अगर यहां आप साबिर साहब से या टीपू साहब से रिक्वेस्ट कर दें कि उसका अगर आप नहीं सुन सके तो उसको उतना हिस्सा रिकॉर्ड करके आप खुद सीडी दे दें, वो बगैर किसी मुआवजे के अवेलेबल है। यहाँ इस जगह कोई चीज बिकती नहीं है, सब चीजें फ्री अवेलेबल होती हैं। तो आप ले लीजिए, उसको सुन लीजिए चला के, तो दूसरे एहतजाज नहीं करेंगे। इस जवाल का टाइम हर मुल्क में उसके लोकल टाइम के मुताबिक होगा। जवाल के टाइम में आपको मालूम है कि सजदा करना मना है। तो जुमा से पहले जो हम 2 नवाफिल पढ़ते हैं वो हम जवाल का टाइम खत्म होने के फौरन बाद पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें सजदा है। अलबत्ता जवाल के टाइम में हम कुरान पाक तो तलावत कर सकते हैं, हम जुबानी पढ़ना चाहें तो जिक्र कर लें, तलावत कर लें जुबानी,
लेकिन सजदा मना है उस टाइम में, तो सजदा हम करेंगे जवाल का टाइम खत्म होने पे। मेरे लिए शायद ये मुमकिन ना हो कि मैं आपको, जिस मुल्क में आपका कयाम है, मैं उस मुल्क का जवाल का टाइम बताऊं, क्योंकि वो वेरिएबल होगा। यूरोप में ड्रास्टिकली वो वेरी करता है जवाल का टाइम, गर्मी और सर्दी के मौसम में। फिर पूरे यूरोप में डे लाइट सेविंग सिस्टम राइज है कि सर्दियों में घड़ियां एक घंटा पीछे कर ली जाती हैं ताकि डे लाइट अवेल कर सकें वो लोग, और गर्मियों में घड़ियां एक घंटा आगे कर दी जाती हैं। वो गर्मियों में तो सूरज यूरोप में वैसे ही 9:45 बजे जाके गरूब होता है। तो डे लाइट सेविंग सिस्टम और इतने ड्रास्टिक चेंज टाइम में, क्योंकि सूरज के ढलने से, सूरज के तुलू होने से और उसके ढलने और उसके गरूब होने से मकामी वक्त का ताल्लुक है। तो मेरे लिए शायद ये मुमकिन ना हो कि मैं आपको ये बता सकूं कि सर्दियों के इस महीने में, या बल्कि यूं कहिए, वहां तो वीकली चेंज आ जाएगी, कि इस फोर्टनाइट में जवाल का टाइम ये होगा, गर्मियों में इस फोर्टनाइट में जवाल का टाइम ये हो जाएगा। वो शायद मेरे लिए बताना मुमकिन ना हो, लेकिन हर मुल्क में यूरोप के मेरी मालूमात की हद तक ऐसी तंजीमें हैं जो पब्लिश करती रहती हैं कि जवाल का टाइम कब शुरू होता है, कब ख़त्म हो जाता है। तो उसको देखिए और उसके मुताबिक सजदा कर लीजिए। ये गालिबन आप शायद उस वजह से आपने ये सवाल पूछा है कि जुमा के दिन एक साथ ऐसी आती है जिसके बारे में औलिया अकराम ये कहते हैं कि उसकी ड्यूरेशन इतनी ब्रीफ है जितनी रुकू से सीधा खड़े होने तक का वक्फा है, जो टाइम लगता है हालत रुकू से हालत क़याम में पूरी तरह जाने में, वही टाइम होता है उसमें दुआ ज़रूर कबूल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये साथ आम तौर पर जुमे की आखिरी साथ हुआ करती थी, वो वक्त की गर्दिश की वजह से वो पीछे शिफ्ट होती गई हत्ता के अव्वल साथ में आ गई जुमे की, फिर वो उसका सफर वापस शुरू हो जाता है। तो होता यही है कि ये कहा जाता है कि वो साथ जवाल का टाइम जब ख़त्म होता है, या तो फौरन बाद आती है वो साथ, या जवाल का टाइम शुरू होने से फौरन पहले आ जाती है, लेकिन उसकी ड्यूरेशन बहुत ब्रीफ होती है। तो शायद आपने सवाल उस नुक्ते नज़र से पूछ, उसका बड़ा अच्छा हल है। मेरे मुर्शद साहब का एक मामूल था और उसमें वो एक मिनट की डिले बर्दाश्त नहीं करते थे। सिर्फ मेरी वजह से एक बार वो 3 मिनट लेट हुए थे, तो उन्होंने मुझे शाम को कहा कि मियाँ, आज ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार मैं मस्जिद में पहुंचने में 3 मिनट लेट हो गया। वो जुमे के रोज़ मस्जिद में 12 बजे जाके बैठ जाते थे। तो आमतौर पर गर्मियों में 12:15 बजे जवाल ख़त्म होता है लाहौर में, और सर्दियों में 12:05 मिनट 3 मिनट इस तरह का टाइम होता है। तो वो 12 बजे जाके बैठते थे, जो ही जवाल का टाइम ख़त्म हुआ वो एकदम खड़े हो जाते थे और 2 नवाफिल अदा कर लेते थे, फिर जिक्र होता रहता था। तो आप भी वो रूटीन अपना लीजिए कि जुमे की नमाज के लिए आप बैठ जाइए घर में। ख़वातीन तो घर में बैठ पाएंगी, या अगर मस्जिद में, बल्कि हॉलैंड से है ये, हॉलैंड में मस्जिद में मेरे इल्म में है, रोटरडैम में भी और एम्स्टरडैम में भी मस्जिद में ख़वातीन के लिए अलहदा से जगह मुख्तस है। तो वहाँ जाके 12 बजे बैठ जाइए और जो ही जवाल ख़त्म हो 2 नवाफिल पढ़िए, दुआ मांगिए, वो 7 को इंशाल्लाह पकड़ लेंगे आप।